Welcome everyone and thank you for tuning into our channel, The Academy Bio. In today's video, we will discuss the value-added method of national income calculation. It is the last method of national income calculation. In this method, the national income is calculated in the terms of value addition by production enterprises in our country. इस मेथड के अंदर जो भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन दी वैल्यू एडिशन बाय प्रोडक्शन एंटरप्राइजेस. वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है? प्रोडक्शन. कि हमारी कंट्री की जितनी भी प्रोडक्शन एंटरप्राइजेस हैं, बी इट प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, कोई भी है, वो जितना भी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन करती है, हम उसके बेस पर यहां पर नेशनल इनकम को निकालते हैं. आप सबके सामने वैल्यू एडिट मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला लिखा हुआ है. इस फॉर्मूले से हमारे पास जो एग्रीगेट निकल के आता है दैट इज जीडीपी एमपी, जिसको हम वैल्यू एडेड भी बोलते हैं. वैल्यू एडेड शब्द का इकोनॉमिक्स में मतलब होता है प्रोडक्शन. वैल्यू एडिशन मतलब प्रोडक्शन. तो जीडीपी एमपी निकालने का इस मेथड के अंदर फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. क्या होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट? वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. यानी आपने पूरे साल में जितना भी स्टॉक बनाया और बेचा और आपके पास जितना साल के एंड में पड़ा हुआ है दैट कंक्लूड्स, दैट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ आउटपुट. वही बात आई इंटरमीडिएट कंजम्पशन की. इंटरमीडिएट कंजम्पशन का ही मतलब है पता है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर खर्चा किया जाता है दैट कम्स अंडर इंटरमीडिएट कंजम्पशन. तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर यहां पर क्या लेंगे? वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन. प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर हमने जितना रॉ मटेरियल यूज किया उसकी वैल्यू इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर आएगी और इसको हम बहुत ही जनरल लैंग्वेज में इंटरमीडिएट कंजम्पशन को एज परचेसेस भी इन क्वेश्चंस के अंदर सॉल्व करते हैं. तो आप सबके सामने प्रोडक्ट मेथड का एक क्वेश्चन गिवन है. फाइंड वैल्यू एडेड बाय ए एंड बी एंड नंबर टू फाइंड जीडीपी एफसी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. वैल्यू एडेड का मतलब होता है कितनी हमने प्रोडक्शन करी है और ये रेफर करता है किसके बारे में? जीडीपी एमपी बाय फर्म ए एंड जीडीपी एमपी बाय फर्म बी. तो ऐसा कंफ्यूज नहीं करना है कि वैल्यू एडेड कोई नया शब्द आया है, इसका मतलब है जीडीपी एमपी बाय ए एंड जीडीपी एमपी बाय बी. नाउ क्वेश्चन पे आते हैं. सेल्स बाय फर्म ए 100, परचेजेस फ्रॉम फर्म बी बाय ए 40. यानी बी से परचेज किया है ए ने. परचेजेस फ्रॉम फर्म ए बाय बी यानी यहां पर ए से परचेज किया है बी ने दैट इज 60. सेल्स बाय फर्म बी 200, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए 20, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी 35, ओपनिंग स्टॉक ऑफ ए 25, ओपनिंग स्टॉक ऑफ बी 45, इनडायरेक्ट टैक्सेस 30. तो ये आपके सामने क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपको ए और बी का इंडिविजुअल वैल्यू एडिट यानी जीडीपी एमपी निकालना है एंड उसके बाद आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है. सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की. सबसे पहले हम निकालते हैं वैल्यू एडेड बाय ए. उसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. हम नीचे देख सकते हैं वर्किंग नोट में जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है बाय ए उसका फॉर्मूला है सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक यानी चेंज इन स्टॉक. सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. सेल्स है ए की 100, क्लोजिंग स्टॉक है 20, ओपनिंग स्टॉक है 25. तो जो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल के आई दैट कम्स आउट टू बी 95. सेम तरीके से हमने बी का वैल्यू ऑफ आउटपुट भी निकाल लिया. 200 बी की सेल्स है, 35 माइनस 45 यानी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक चेंज इन स्टॉक. इसका जो आंसर निकल के आया वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय बी का दैट कम्स आउट टू बी 190. सबसे पहले ए की बात करते हैं. ए का वैल्यू ऑफ आउटपुट है 95 एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी परचेजेस. तो ए की परचेजेस, परचेजेस फ्रॉम बी बाय ए वो कितनी है? 40. तो ए ने 40 की परचेज करी है यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन करी है. तो जो ए का वैल्यू एडेड निकल के आ रहा है दैट कम्स आउट टू बी 55 लाख. ऐसे ही बी की वैल्यू ऑफ आउटपुट 90 निकल के आ चुकी है पहले. इंटरमीडिएट कंजम्पशन बी का परचेजेस फ्रॉम ए बाय बी जो ए से परचेज किया है बी ने दैट इज 60. तो 190 माइनस 60 जो इनका वैल्यू एडिड निकल के आया दैट कम्स आउट टू बी 130 लाख. टोटल जीडीपी एमपी निकालने के लिए हमें इन दोनों जीडीपी एमपी को यानी इन दोनों वैल्यू एडिड को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा. दैट मींस वैल्यू एडिड बाय ए प्लस वैल्यू एडिड बाय बी.
तो टोटल जो हमारे पास निकल के आया जीडीपी एमपी, ग्रॉस जीडीपी एमपी जो निकल के आया दैट इज 55 प्लस 130, दैट मींस 185 लाख। तो जैसे कि आप सबने देखा कि हमारा जीडीपी एमपी जो निकल के आया था वो 185 लाख निकल के आया था। अब हमें उससे क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट जीडीपी एफसी, यानी हमें जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो जीडीपी एमपी को हम जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी एनआईटी। इस क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, कोई सब्सिडीज गिवन नहीं है, तो हम सब्सिडीज को जीरो मान लेंगे और एनआईटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज यानी 30 माइनस 0 दैट कम्स आउट टू बी 30। तो जो हमारा टोटल जो फाइनल आंसर निकल के आएगा फॉर जीडीपीएफसी दैट विल बी रुपीज 155 लाख। सो आई होप आपको ये मेथड भी समझ में आया होगा। अब इस चैप्टर को खत्म करते हुए, नेशनल इनकम की यूनिट को खत्म करते हुए, हम कुछ उन बातों का ध्यान रखेंगे जो बातें हमें जाननी बहुत जरूरी है। इन्हें हम बोलते हैं प्रिकॉशंस व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। जो नेशनल इनकम के तीन मेथड्स हैं उनको कैलकुलेट करते हुए किन्हीं बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिन्हें बोलते हैं प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। वो प्रिकॉशंस क्या है अभी हम आगे पढ़ते हैं। अब आप सबके सामने कुछ प्रिकॉशंस लिखे हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है किसी भी मेथड को अप्लाई करते हुए, चाहे वो वैल्यू एडेड मेथड हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर मेथड हो या फिर इनकम मेथड हो, हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये प्रिकॉशंस बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा जो आप लोगों को सबको ध्यान में रखनी है कि आपने जितने भी फॉर्मूले अभी तक पढ़े हैं उनके अंदर जो भी चीज ऐड होती थी वो सारी हमें नेशनल इनकम में इंक्लूड करनी होती है और जो भी चीज माइनस होती थी वो नेशनल इनकम कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होती। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो आप और ज्यादा प्रिकॉशंस अपने फॉर्मुलों को देख के बना सकते हैं। अब आते हैं प्रिकॉशंस पे। सबसे पहला, वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स नॉट इंक्लूडेड। जो भी हम सेल या परचेज करेंगे सेकेंड हैंड गुड्स की, उसकी वैल्यू को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब वो पहली बार बिका था तब उसकी वैल्यू इंक्लूड हो चुकी थी। अब मैं अगर उसको दोबारा से इंक्लूड करता हूं सेकेंड हैंड, जब उसकी वैल्यू हमने बेची है, तब ये मेरी नेशनल इनकम में डबल काउंटिंग क्रिएट कर देगा और मेरी जो नेशनल इनकम है वो गलत निकल कर आएगी। लेकिन इन सेकेंड हैंड गुड्स की सेल या परचेज पे अगर हम किसी को कमीशन देते हैं या कमीशन कमाते हैं, यानी कमीशन अर्न ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, इसे हमें इंक्लूड करना है क्योंकि ये कमीशन बिल्कुल नई इनकम है, ये कंट्री के अंदर इकोनॉमी के अंदर पहली बार जनरेट हुई है, तो इसको हमें नेशनल इनकम कैलकुलेशन में इंक्लूड करना पड़ेगा। आगे आते हुए, इंप्यूटेड कॉस्ट टू बी इंक्लूडेड। जो भी इंप्यूटेड कॉस्ट होती है, इंप्यूटेड कॉस्ट का मतलब क्या है, ये वो कॉस्ट होती है जो एक प्रोड्यूसर अपने लिए खुद ही करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्रोड्यूसर के पास अपनी खुद की लैंड है और वो उसी के ऊपर प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसे उस लैंड का इंप्यूटेड रेंट जितना भी होगा वो नेशनल इनकम कैलकुलेशन में काउंट करवाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर कोई प्रोड्यूसर अपनी चीज के लिए, अपने खाने के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कोई गुड का यूज कर रहा है, तो वो भी उसका इंप्यूटेड कॉस्ट के अंदर आएगा, क्योंकि वो अगर उसे खुद यूज ना करता और मार्केट में बेचता तो उससे कंट्री के अंदर इनकम जनरेट होती। तो इसलिए इंप्यूटेड कॉस्ट को भी हमें नेशनल इनकम कैलकुलेशन में इंक्लूड करना पड़ेगा। Only value of final goods to be included, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि national income calculation में सिर्फ final goods की value को ही include किया जाता है, second hand goods की value को include नहीं किया जाता, intermediate goods की value को include नहीं किया जाता, and not of intermediate goods. Fifth, self consumption services not included. जो self consumption की services होती हैं, उनको भी हम national income में include नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू निकालना, उनकी मार्केट वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल है। जैसे वर्क ऑफ हाउसवाइफ्स, हमारी माताएं, हमारी बहनें जो भी घर में काम करती हैं, उनके काम की हम मार्केट वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो इसलिए वो सेल्फ कंजम्पशन सर्विसेज होती है या सर्विसेज ऑफ सेल्फ कंजम्पशन होती है और उनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट, ट्रांसफर इनकम्स आर नॉट इंक्लूडेड, ओनली फैक्टर इनकम्स आर इंक्लूडेड। हमने पढ़ा था कि ट्रांसफर इनकम जैसे पेंशन, स्कॉलरशिप, इनको भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते क्योंकि इनके द्वारा कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्री के अंदर नहीं होती है।
उनसे उल्टा क्या होती है, फैक्टर इनकम्स। ये वो इनकम्स होती हैं जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दी जाती हैं उनकी सर्विसेज के बदले। तो ये हमारी कंट्री के अंदर कुछ प्रोडक्शन क्रिएट करती हैं, कुछ इनकम जनरेट करवाती हैं, इसलिए इनको हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं। सेवेंथ, विंडफॉल गेन्स नॉट इंक्लूडेड। विंडफॉल गेन्स क्या होते हैं, ये वो गेन्स होते हैं जो सडन होते हैं, जो अचानक से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉटरी होगी, ये कोई हमारे रेगुलर बिजनेस से नहीं होते, ये लॉटरी लग जाना होते हैं या कोई और दूसरा काम जो स्पेक्यूलेटिव होता है। तो विंडफॉल गेन्स को भी हम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि ये एक रेगुलर बेसिस पे हमें नहीं होते, ये लक पे डिपेंड करते हैं। एंड द लास्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन शेयर एंड बॉन्ड्स नॉट इंक्लूडेड। जो शेयर और बॉन्ड खरीदने पे या बेचने पे जो भी खर्चा होता है उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि शेयर या बॉन्ड ये क्या है, ये सिर्फ पेपर क्लेम है, ये कोई एक्चुअल में कोई चीज नहीं होता, ना ही इनसे कोई कंट्री के अंदर प्रोडक्शन होती है। तो इसीलिए सिर्फ इन पेपर्स के क्लेम के ऊपर जो भी खर्चा होता है, अगर हम उसको नेशनल इनकम में ऐड करने लगे तो हमारी नेशनल इनकम या तो बहुत ज्यादा हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी, जो कि बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। इसीलिए हम शेयर्स और बॉन्ड्स के एक्सपेंडिचर को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। सो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने नेशनल इनकम की पूरी यूनिट को खत्म कर लिया है। सबसे पहले हमने इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने नेशनल इनकम क्या होती है उसके बारे में पढ़ा, उसके तीनों मेथड्स के बारे में पढ़ा, और आज हमने पढ़ा कि उन तीनों मेथड्स को अप्लाई करने में कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें, और प्लीज हमारे इस चैनल को जरूर शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।